इस ट्यूटोरियल में मैं आपको मेश स्मूथ के बारे में बताऊंगा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है और आप उसको स्मूथनेस देना चाहते हैं, उसको स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें एक 3D मैक्स के अंदर मॉडिफायर होती है जिसका नाम होता है मेश स्मूथ। तो उस मॉडिफायर के ज़रिए हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट बना रखा है। मैंने एक सिलेंडर को एडिट पॉली देकर उसको मैंने इस तरीके से शक्ल दी है। अब मैं इसको यहाँ पर स्मूथ बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके मॉडिफायर लिस्ट से मैं इसको मैश स्मूथ मॉडिफायर दूंगा, एम प्रेस करूंगा और यहाँ पर मुझे मिलती है जिसका नाम होता है एक मॉडिफायर जिसका नाम होता है मैश स्मूथ। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक स्मूथ बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम देखते हैं। मैं इसे मॉडिफाई पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे शुरू में देखें, इसमें होता है इट्रिएशन। इट्रिएशन क्या होता है, अभी इसकी इट्रिएशन वैल्यू 1 है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर 0 लिखा एंटर, तो इसका मतलब है ये कुछ भी स्मूथ नहीं होगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 एंटर, तो ये स्मूथ बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ एंटर, तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। 3 लिखूंगा एंटर, तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ किस वजह से होता है, ये इसमें पॉलीगॉन्स ज़्यादा बन जाते हैं उसकी वजह से ये स्मूथ होता है। लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पर तो कोई पॉलीगॉन ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे, सिर्फ उतने पॉलीगॉन हैं जितने हमने स्टार्टिंग में दिखाए थे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लोकल कंट्रोल रोल आउट के अंदर, यहाँ पर होता है आइसोलाइन डिस्प्ले। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे देखो कितने सारे हमारे इसके अंदर पॉलीगॉन बन गए। अगर मैं इटरेशन को 2 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 2 एंटर, तो कम हो गए पॉलीगॉन। यहाँ पर लिखा 1 एंटर, तो और भी कम हो गए पॉलीगॉन। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 एंटर, तो इसका मतलब यानी कि 0, कोई भी इसमें स्मूथनेस नहीं आएगी। तो मैं यहाँ से जितना भी लेना चाहता हूँ उसको ले सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्मूथनेस, स्मूथनेस की वैल्यू आप 0 से 1 तक ले सकते हैं। अगर आप 0 करते हैं, यानी कि कुछ भी स्मूथ नहीं होगी, इसमें इटरेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर डालते हैं 0.5, तो इसमें इटरेशन का आधा फर्क पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर डालते हैं 0.75, तो इसका थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डालते हैं 1 और एंटर, तो यानी कि इसका 100% इफेक्ट इटरेशन का स्मूथनेस में दिखेगा। तो आप जितनी भी चाहें यहाँ से इटरेशन डाल के इसको स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप इसका चीज़ का ध्यान रखें, आप लिमिट के हिसाब से इसको स्मूथनेस दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्मूथनेस देंगे तो आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। क्योंकि जितने भी ज़्यादा पॉलीगॉन बनेंगे, वो आपकी लैपटॉप की या कंप्यूटर की रैम को ज़्यादा यूज़ करेगा और आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है या फिर हैंग भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सिस्टम भी हैंग ना हो और रेंडर क्वालिटी अच्छी आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेंडर वैल्यू के अंदर इटरेशन और स्मूथनेस दोनों हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे इटरेशन यहाँ पर 0 है रेंडर वैल्यू में और स्मूथनेस 1 है, और यहाँ पर हमने इसको स्मूथ बना रखा है। लेकिन अगर मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया रेंडर और मैंने देखा, तो यहाँ पर कुछ भी स्मूथनेस नहीं दिखा इसने रेंडर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेंडर वैल्यू में इटरेशन जो है वो 0 है। मैं इसको बंद कर देता हूँ रेंडर विंडो को, और मैंने यहाँ पर इटरेशन वैल्यू डाल दी 3 एंटर, और यहाँ पर इटरेशन कर दिया 0। यानी कि व्यू पोर्ट के अंदर 0 इटरेशन रहे और रेंडर के अंदर 3। अब हम इसको देखते हैं रेंडर करके, तो यहाँ पर देखेंगे देखो कितना स्मूथ बना है। इस व्यू पोर्ट के अंदर कुछ भी इसमें स्मूथनेस नहीं है और इसमें रेंडर के अंदर हमें ये फुल स्मूथ नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पर 1 वैल्यू रख लें और यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू रख लें और स्मूथनेस, यानी कि ये सेम काम करता है। बस ये व्यू पोर्ट के लिए होता है और ये रेंडर वैल्यू के लिए होता है। तो अगर आप इसको बंद कर देंगे, तो वो ये वाली ही वैल्यू लेगा जो हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे हमारे पास कुछ सब ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर जैसे एडिट पॉली के अंदर सब ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एज होता है, वर्टेक्स होता है, तो इसमें भी हमारे पास वर्टेक्स होते हैं और एक एज होता है। अगर मैं वर्टेक्स पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये कुछ वर्टेक्स नज़र आएंगे। ये इतनी दूर नज़र क्यों आ रहे हैं? ये वहाँ पर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मेश स्मूथ देने से पहले हमारे पास वर्टेक्स थे। ये मुझे वहाँ पर वर्टेक्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये वर्टेक्स यहीं पर नज़र आए जहाँ पर होने चाहिए, जहाँ पर अभी पॉलीगॉन बन गए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल लेवल में जो वैल्यू है वही वैल्यू लेनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पर इटरेशन में ले रखी है। हमने इटरेशन में 2 वैल्यू ले रखी है। अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ, तो ये थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये बिल्कुल सारे पॉइंट्स हमारे पॉलीगॉन से वैसे ही जुड़ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 वैल्यू है और यहाँ पर भी। अगर मैं यहाँ पर 3 वैल्यू कर देता हूँ,
तो ये फिर से उसके हिसाब से दूर रहेंगे, और इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर 3 करूँगा तो ये बिल्कुल एकदम फिक्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ 2, तो यहाँ पर कंट्रोल लेवल के अंदर ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा उसको नहीं रख सकता। तो अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 1, तो 0 भी कर सकते हैं हम इसको, 0 करेंगे तो वहीं पर हमारे ये पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें वेट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है 0, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 1। तो वेट का क्या मतलब होता है? वज़न, यानी कि स्मूथनेस जो है वो वेट के ऊपर काम करता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कुछ वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसके ऊपर। मैंने यहाँ पर कुछ वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिए, आई इग्नोर बैक फेसिंग कर लिया। इग्नोर बैक फेसिंग आपको मालूम है, जैसे हमने एडिट पॉली के अंदर पहले से किया है सिलेक्शन के अंदर इग्नोर बैक फेसिंग, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी इग्नोर बैक फेसिंग का हम यूज़ करेंगे। तो मैंने इग्नोर बैक फेसिंग को ऑन करा दिया, और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया। ये वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करूँगा, मैं फ्रंट व्यू में जाऊँगा, और नीचे के मुझे वर्टेक्स नहीं चाहिए कुछ भी, तो मैं इग्नोर बैक फेसिंग को वापस से हटा दूंगा, और यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके ये सारे वर्टेक्स को हटा दूंगा। ये मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, मैं ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा पर्सपेक्टिव व्यू में, और मैं इसको मूव करता हूँ ऐसे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ऐसे मूव करा दिया। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो वर्टेक्स हैं यहाँ पर हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक जा रहा है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा करते हैं, आप यहाँ पर करते हैं 1 की जगह 10, तो ये और ऊपर चला जाएगा, यानी कि और ज़्यादा स्मूथ होगा। अगर आप यहाँ पर 1 की जगह करते हैं 0.1, तो इस पर बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो बहुत ही कम फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, मैंने इसको कर दिया मान लो 0.5, तो और थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क पड़ा। यानी कि ये इसका वज़न है, इस वर्टेक्स का वज़न है। जिन वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये उनका वज़न है। तो अब जितनी भी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, ये उसी के हिसाब से इसमें उसके वेट को शो करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से इसको रखना चाहते हैं, ये उसी हिसाब से शो करेगा। अगर मैं किसी और वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, मान लो मैंने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वर्टेक्स हैं इसमें सबका जो वेट है वो 1 होता है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका वर्टेक्स का जो वेट है वो 1 है। तो यहाँ पर मैंने इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पर 10, तो जो इसके आसपास के वर्टेक्स होंगे ये उनको खींच लेगा, क्योंकि इसकी जो पावर है, इसके जो वज़न है वो ज़्यादा है। अगर मैं इसको वज़न कम कर देता हूँ 0.1, तो ये थोड़ा सा पीछे हटा देगा उनको, क्योंकि ये बिल्कुल कमज़ोर है, इसका कोई भी वज़न नहीं है। तो ये इस तरह से काम करता है। मैं कंट्रोल जेड बटन प्रेस कर देता हूँ वापस। तो इसमें एज का भी काम होता है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एज पर, और यहाँ पर देखेंगे ये हमें एज दिखा रहा है इस तरीके से सारी जो भी है। तो अगर आप सिलेक्ट करते हैं कोई भी एज, मान लो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये वाली एज सिलेक्ट कर ली, और आप इनको थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। यानी कि एक तरह का ये गिज़मो का काम करता है, जैसे हमने गिज़मो सीखा है ये उसका काम करता है। तो अगर आप इसी हिसाब से रखना चाहते हैं, इस हिसाब से रख सकते हैं। और अगर आप वर्टेक्स पर क्लिक करें, इनको मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वेट मैं इसका डाल देता हूँ 1, एंटर। और अगर मैं यहाँ पर एज पर क्लिक करूँ, और इसकी मैं एज को सिलेक्ट करा लूँ यहाँ पर ऐसे ही, इस तरीके से हम एज सिलेक्ट करा सकते हैं। चाहे तो हम इसको दूसरे व्यू में जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करें, यहाँ पर इस वाले व्यू के अंदर जाकर भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल बटन प्रेस करके। मैं ये वाली एज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इस तरीके से ये पूरा की पूरी एज सिलेक्ट करा ली, अभी रह रही है यहाँ पर एक एज। मैंने इस तरीके से एज सिलेक्ट करा ली। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के देखता हूँ, तो ये पूरी एज इस तरह से सिलेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे एज सिलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर ऑन हो गया, इसमें 0 है। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 1, एंटर, तो ये बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल इसके साथ में आ जाएगा। यानी कि ये पूरी इसका वज़न ज़्यादा होगा, ये स्मूथ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ क्रीज के अंदर और भी ज़्यादा 5 डाल देता हूँ, तो ये 0 से 1 तक काम करेगा। अगर 0 करेंगे तो पूरा स्मूथ होगा। इसमें हम 1 से वैल्यू ऊपर नहीं डाल सकते। 1 अगर 2 लिख कर एंटर करता हूँ तो सिर्फ 1 लेगा ये। तो यानी कि जो एज मैंने सिलेक्ट कर रखी है उसका वज़न, अगर उसको क्रीज में मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, तो उस पर स्मूथ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 0.5 डालता हूँ तो उस पर आधा फ़र्क पड़ेगा, 0.9 डालता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और पूरा 1 डाल देता हूँ
तो इसके ऊपर कुछ भी स्मूथ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अगर कोई सी भी एज सेलेक्ट करते हैं, मान लो अगर आप, मैंने यहाँ पर ये वाली एज सेलेक्ट करा ली, ये तीन एज मैंने ऐसे कंट्रोल बटन प्रेस करा के सेलेक्ट करा ली, उसके बाद क्रीज में यहाँ पर मैंने लिखा 1, एंटर। तो ये वाली जो एज है इसके ऊपर स्मूथनेस का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं ये वाली भी दो सेलेक्ट करा लेता हूँ, नीचे की दो चार जितनी भी हैं ये मैंने सेलेक्ट करा ली 1 बाई 1, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रीज में यहाँ पर मैंने लिखा 1, एंटर। तो अब देखेंगे जो एज में हमने क्रीज की वैल्यू 1 डाल दी उस पर स्मूथनेस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी जितना भी इसमें पॉलीगोन है, जितनी भी एजेस हैं, जितने भी वर्टेक्स हैं, उसके ऊपर स्मूथनेस का फ़र्क पड़ेगा। अगर शोकेज पर आप क्लिक करेंगे तो ये शोकेज इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका, अगर आप इसको और किसी कलर में देखना चाहते हैं और किसी कलर में भी देख सकते हैं। वो ये शोकेज का होता है और ये वाला एज के लिए होता है, एज को रेड में दिखाएगा और शोकेज यानी कि ये वर्टेक्स के इसमें दिखाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे स्मूथ करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, जितना भी आप चाहें वर्टेक्स के हिसाब से उसको स्मूथ कर सकते हैं या एज के हिसाब से। और इसमें सॉफ्ट सिलेक्शन भी होते हैं, अगर आप यहाँ पर यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन करते हैं, यानी कि एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके सेम उसी तरीके से जो हमने एडिट पॉली के सिलेक्शन में सॉफ्ट सिलेक्शन देखा है, तो वहाँ पर भी आप उसी हिसाब से यहाँ पर यानी कि सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन करके वैसे ही यहाँ पर सॉफ्ट सिलेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। और शोकेज को ऑफ करा देंगे ये ऐसे नहीं दिखेगा, और मैश स्मूथ पर क्लिक करा देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट इसी तरीके से स्मूथ हो जाएगा। और अगर आप इसको रेंडर करेंगे तो ये इसी तरीके से इसमें दिखाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ करके देख सकते हैं, कुछ भी आप अगर मॉडलिंग कर रहे हैं उसको स्मूथ करके ऐसे रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।